हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यदि हमारा जीमेल किसी भी अगर अदर मोबाइल में या डेस्कटॉप पे खुला हुआ है कंप्यूटर में, तो उसको अगर लॉगआउट करना है तो कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र में चलते हैं। जैसे मैं गूगल क्रोम में जा रहा हूँ। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको लिखना है जीमेल, जीमेल लिख के सर्च करना है। जैसे आप जीमेल को सर्च करते हो, ये देखिए नीचे आ रहा है जीमेल, इसको खोलना है। जीमेल को इसको खोलने के बाद ये देखिए ऑटोमेटिक आपकी मेल्स आ रही है। अगर बाई चांस आपकी मेल नहीं आए तो आपको अपनी मेल खोल देनी है। हालांकि जो गूगल क्रोम है वो आपके सीधे प्ले स्टोर से रिलेटेड होता है, इसलिए हाथों खुल जाती है। फिर आपको क्या करना है, देखिए ऊपर लेफ्ट साइड में ट्रिपल डॉट दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर जाना है आपको। ट्रिपल डॉट दिखाई देने के बाद आपको देखिए यहाँ पे अलग अलग आ रहा है। नीचे सबसे नीचे व्यू जीमेल इन मोबाइल ओल्ड वर्जन या डेस्कटॉप वर्जन। जैसे आप डेस्कटॉप वर्जन में जाएंगे तो जो आपका मेल है वो पूरा डेस्कटॉप वर्जन जैसे आपके कंप्यूटर में चलता है वैसा हो जाएगा। सारा का सारा जो भी आपके मेल्स आ रखी वो सारी यहाँ शो करेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से आपके ऑल मेल, आप चाहे पुरानी हो न्यू हो, सब सर्च कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से आपको सब कुछ अपना जो भी आपके कॉन्टैक्ट जितने आपके मेल में है वो सब शो होने लगेंगे, और जो आप अपने कॉन्टैक्ट जीमेल में रखते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद देखिए, नीचे चलने के बाद अगर लिखा आ रहा है यू आर करंटली यूजिंग, इतना आपका जो मेल है, आपके जो मेल है आपका कितना स्टोरेज ले रखा है वो सारा, और नीचे लास्ट अकाउंट एक्टिविटी मतलब आपके अकाउंट की एक्टिविटी बताएगा। और उसको अगर आपको डिटेल में देखना है तो नीचे ऑप्शन आ रहा है डिटेल का, तो आपको इस डिटेल में जाना है। इस डिटेल में जाएंगे तो आपका जो मेल अकाउंट है वो कब खुला, कौन से मोबाइल में खुला या कंप्यूटर में खुला, जहाँ जहाँ खुला, कौन से ब्राउजर में खुला, वो सारा सब कुछ डिटेल बता देगा। यहाँ बताने के बाद देखिए सबसे ऊपर आ रहा है एक्टिविटी ऑन दिस अकाउंट, दिस फीचर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द लास्ट एक्टिविटी ऑन दिस मेल अकाउंट एंड एनी कॉन्करेंट एक्टिविटी। उसके बारे में आप डिटेल से देख सकते हैं। फिर नीचे लिखा रहा, दिस अकाउंट डज नॉट सीम टू बी ओपन इन एनी अदर लोकेशन, हाउ एवर देर मे बी सीजन दैट हैव नॉट बीन साइन आउट। अगर आपने कहीं और बाई चांस कहीं लॉगिन कर रखा है, लॉगआउट नहीं कर पाए, या फिर आपके किसी को पासवर्ड बता रहा उसने अगर लॉगिन कर रखा है, तो उसको कैसे लॉगआउट करना है, तो यहाँ से हो जाएगा। देखिए साइन आउट ऑल अदर जीमेल वेब वर्जन सीजन, तो यहाँ से आप जैसे ही करेंगे तो ये देखिए लिखा आ रहा है सक्सेसफुली साइंड आउट ऑल अदर सेशन, मतलब जहाँ जहाँ आपका मेल चालू था वहाँ सबसे आपका मेल लॉगआउट हो जाएगा। फिर नीचे लिखा आ रहा है यूज़र कैन लॉग इन अगेन इफ़ दे नाउ योर पासवर्ड, यदि आपको कोई पासवर्ड जानता है तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यहाँ से आप इजीली अपना मेल आउट ऑल अदर डिपार्टमेंट से जो भी है वहाँ से आपका मेल लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।